गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि जो श्रमिक कार्ड होता है उत्तर प्रदेश सरकार का या किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट द्वारा जो श्रमिक कार्ड बनाया जाता है उसको हम किस तरीके से अपने मोबाइल से ही डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और आप घर बैठे अपना या किसी का भी श्रमिक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी सारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाता है। अगर आपका श्रमिक कार्ड खो गया है या नहीं मिल रहा है तो आप अपने आधार कार्ड से घर बैठे बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है अपने मोबाइल में इस तरीके से, और यहाँ पे आपको सर्च करना है UPBOCW। जैसे मैं यूपी से हूँ तो UPBOCW, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो अपने स्टेट का नाम पहले लिखेंगे और इस तरीके से सर्च कर लेंगे। यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट होता है सबसे ऊपर ही यहाँ पे ओपन हो जाता है। सबसे ऊपर हम इसको क्लिक करके ओपन कर लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो रहा है। और फिर यहाँ से हम मोबाइल को डेस्कटॉप मोड में भी कर सकते हैं। यहाँ से जाके हम डेस्कटॉप साइट पे मोबाइल को कर लेंगे ताकि लैपटॉप की तरह खुलने लगेगा। और फिर यहाँ पे हम मेन पेज पे आ जाते हैं। इस तरीके से आपका मोबाइल ओपन हो जाता है। और फिर यहाँ पे आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं श्रमिक सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल गया है, यहाँ पे श्रमिक सर्टिफिकेट डाउनलोड का। तो यहाँ पे हम सिंपली क्लिक कर देते हैं और आपका 2 मिनट में यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। तो वहाँ पे हम क्लिक कर दिए हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से देखिए नया पेज ओपन हो गया है। और यहाँ पे अब हमें आधार नंबर डालना है या फिर पंजीयन संख्या से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आधार नंबर से चेक करता हूँ। यहाँ पे आधार नंबर अपना डाल लेते हैं। इस तरीके से आधार नंबर डाल लेंगे और फिर यहाँ पे हम सर्च पे क्लिक कर देंगे। तो जो अगर आपका श्रमिक कार्ड बन गया होगा तो यहाँ पे आपका श्रमिक कार्ड ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं श्रमिक कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम शेयर का एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप व्हाट्सएप पे शेयर भी कर सकते हैं और फिर यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से व्हाट्सएप पे शेयर करके इसको प्रिंट करवा सकते हैं, अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरीके की जानकारी आगे मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। धन्यवाद।